वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन CBSE बोर्ड क्लास 12th चैप्टर 8 ऑफ फ्लेमिंगो। नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सप्लेन इट्स पार्ट फर्स्ट इन द प्रीवियस वीडियोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स पार्ट सेकेंड। आज हम स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड के कक्षा 12 के फ्लेमिंगो नामक जो किताब है उसके चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसका जो पहला पार्ट है वो इससे पहले वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका आज सेकेंड पार्ट हम आपके सामने रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं लाइन टू लाइन द डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपने इसमें पढ़ा है कि दो सहेली होती हैं, दो फ्रेंड्स होती हैं, एक का नाम जेंसी होता है, दूसरे का नाम सोफ़ी होता है। जेंसी एक प्रैक्टिकल लड़की है जो रियलिस्टिक में विश्वास रखती है, जीवन की वास्तविकताओं को समझती है, जबकि सोफ़ी जो है वो एक डे ड्रीमर लड़की है जो इमेजिनेशन ज़्यादा करती है, कल्पनाएँ ज़्यादा करती है, वास्तविकता से जो बिल्कुल परे होती है। तो दोनों लड़कियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सोफ़ी जो होती है उसके परिवार में उसके फादर होते हैं, उसकी मम्मी होती है, उसका बड़े भाई होते हैं जिसका नाम जोफ होता है, उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम डेरेक होता है। और जो सोफ़ी और उसकी जो फैमिली होती है वो डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे, जो फुटबॉल प्लेयर होता है, आयरिश प्लेयर, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ डिस्कशन ये चल रहा था कि सोफ़ी उस डैनी कैसी नाम के फुटबॉल प्लेयर से मिली है, जबकि उसके ब्रदर को और उसके जो फादर को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कभी कुछ हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, उसके फादर ने ये कह करके कि किसी दिन तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो, इस बात को ऑफ कर दिया था। और इसके बाद वो जियोफ को बता रही है, अपने ब्रदर को बता रही है कि किस तरीके से वो मिले थे और किस तरह से उनके बारे में उनकी बातें हुई थी। तो उसी को हम देखते हैं आगे लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था, इट वाज नथिंग लाइक दैट जियोफ, वो जियोफ को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जियोफ ने जब कहा था कि उसके पास तुम अभी केवल स्कूल गर्ल हो, अभी तुम पास आउट नहीं हुई हो, तुम स्कूल गर्ल हो और तुमसे पहले उसके पास पता नहीं उसकी लाइफ में कितनी लड़कियां होगी। तो वो जियोफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है सोफ़ी कि ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसने उसे बताया कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है और वो ऐसा नहीं है। तो इस बात से जियोफ सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो बताता है कि क्या कोई व्यक्ति तुम्हें बताएगा, किसी लड़की को बताएगा कि उसकी लाइफ में और कितनी लड़कियाँ हैं। तो इस बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो जियोफ को बताती है इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैं पहले बोली थी, उसने पहले मुझसे बात नहीं की थी, मैं पहले बोली थी। व्हेन आई सॉ हु इट वाज, जब मैंने देखा ये कौन है, आई सेड, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी, कि जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसे कहा एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी, क्या आप डैनी कैसी नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो मेरी बात सुन करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर के उसने मेरी तरफ देखा। एंड ही सेड, और उसने कहा यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं डैनी कैसी ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। एंड आई न्यू, और क्या कहती है सोफ़ी, एंड आई न्यू, और मैं जान गई इट मस्ट बी हिम, कि वह वही होना चाहिए, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, एक्सेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी बोलने का तरीका, स्वर उच्चारण करने का तरीका। तो मैं इस बात से भी पहचान गई थी कि ये डैनी कैसी है, क्योंकि जो उसका एक्सेंट था, उसका जो स्वर उच्चारण करना, जो वो स्वर उच्चारण कर रहा था वो ठीक वैसा ही था लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द चैनल, जैसा कि चैनल पर टेलीविज़न पर जो उसका इंटरव्यू आया था, जिस तरह से वो इंटरव्यू में एक्सेंट कर रहा था वो उसी तरह से एक्सेंट कर रहा था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, इसलिए मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए कहा। स्टूडेंट्स, ऑटोग्राफ आप समझते होंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं इस मेमोरी के लिए कि हम उनसे मिले थे, वो एक एविडेंस हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है।
दूसरे उसे ऑटोग्राफ के लिए कहा फॉर लिटिल डेरेक। और वो ऑटोग्राफ किसके लिए चाहती थी? अपने छोटे भाई लिटिल डेरेक के लिए चाहती थी। बट नीदर ऑफ अस हैव एनी पेपर और ए पेन। लेकिन क्या हो रहा कि हम दोनों में से किसी के पास ना तो पेपर था और ना ही पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, इसलिए हमने थोड़ी बहुत बातचीत की अबाउट क्लॉथ्स इन रॉयल्स विंडो, जिस शोरूम में थे रॉयल्स विंडोज में, उसमें जो कपड़े थे उनके बारे में कुछ बातें की। ही सीम्ड लोनली, क्या कहता है कि वो अकेला दिखाई दे रहा था। लोनली मीन्स अकेला, आफ्टर ऑल और क्यों ना हो, इट इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट आयरलैंड, क्योंकि वो अपने निवास स्थान वेस्ट आयरलैंड से काफ़ी दूर यहाँ आया हुआ है। एंड देन और तभी जस्ट एज ही वॉज गोइंग, कि जब वो जा रहा था, ही सैड, उसने कहा इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, कि यदि मैं उससे मिलना चाहूँ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोबायोग्राफ देन, तो तब वह मुझे अपने ऑटोबायोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, मैंने कहा कि निसंदेह मैं अगले वीक आपसे, नेक्स्ट वीक आपसे, अगले सप्ताह आपसे मिलूंगी। एज इफ ही हैड नेवर शो ऑफ, उसने कहा एज इफ ही हैड नेवर शो ऑफ, जैसे उसने पहले कभी ऐसा किया ना हो। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, उसने कहा कि क्या आपको अभी भी मेरे पर विश्वास नहीं है? डोंट यू, यू डू बिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? डोंट यू, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने कहा कि उसने अपनी जैकेट ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का मतलब फिर से खींचना होता है, घसीटना होता है, उसने अपनी जैकेट घसीटी, ड्रैग्ड मीन्स खींचना घसीटना, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो शाइनी थी और शेपलेस थी, शेपलेस का मतलब जिसका आकार थोड़ा सा ढीला ढाला सा हो रखा था प्रेस ना होने के कारण। फ्रॉम द बैक ऑफ देयर चेयर, अपनी चेयर के बैक से, एंड पुश्ड हिज आर्म्स इन टू इट, और अपनी बाहें इसमें डाल ली। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपियरेंस, उसने चाहा कि वह उसकी अपियरेंस पर और अटेंशन दे, और ध्यान दे। विश्ड ही केयर मोर अबाउट क्लॉथ्स, कि उसके वो अपने कपड़ों पर भी और ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा है और उसका स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है, हैंडसम है, सी थॉट, उसने सोचा। स्टूडेंट्स, यहाँ कोई मुलाकात इसकी नहीं हुई है, ये लड़की फिर से डे ड्रीम कर रही है और ये केवल एक इमेजिनेशन में है, एक कल्पना कर रही है, इसको लगता है कि उससे उसकी मुलाकात हुई है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट्स द अनलाइकीएस्ट थिंग आई एवर हियर्ड, ही सेड, उसका ब्रदर कहता है कि ये सबसे अचंभा करने वाली बात, सबसे अचंभित करने वाली बात, अनलाइकलीएस्ट मीन्स होता है सबसे असंभव, इम्पॉसिबल, द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग आई हैव, कहता है कि जितनी भी बातें मैंने सुनी है ये उन सब बातों में सबसे अधिक असंभव बात है, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉफ को अभी भी अपनी सिस्टर सोफी पर ट्रस्ट नहीं है कि वो उस फुटबॉल प्लेयर से मिली है, वो उसको लग रहा है, और वैसे भी वो जानते हैं कि वो डेडलीवर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट्स, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज वॉच यूनाइटेड। अब देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो प्लेयर था ये किसके लिए खेलता था, डायरेक्ट खेलता था, डायरेक्ट कैसे खेलता था, यूनाइटेड के लिए, और चूंकि ये पूरी फैमिली जो थी फुटबॉल की फाउंड थी, तो इसलिए ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, यानी किसी धार्मिक यात्रा पर जाना, लेकिन चूंकि ये हर सैटरडे को वहाँ जाते थे तो इसलिए यहाँ राइटर ने इसको पिलग्रिमेज नाम दिया है। तो ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, वो यूनाइटेड का मैच देखने के लिए एज यूजुअल हर सैटरडे को जाया करते थे, सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक, सोफी उसके पिताजी और छोटा डेरेक जो था वेंड आउट नियर द गोल, वो जा करके नियर द गोल यानी गोल के आसपास बैठ जाते हैं, जबकि जॉफ एज ऑलवेज, जॉफ हमेशा की तरह वेंट विद हिज मेट्स, अपने साथियों के साथ हायर अप यानी ऊंचे स्थान पर जाता है और वहाँ जा करके मैच देखता है। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड ने इस मैच को 2-0 यानी 2-0 से जीता था, यूनाइटेड के दो गोल थे और जो अपोजिट थे जिसके साथ वो खेल रहे थे उसका गोल शून्य था, एंड कैसे ड्रॉ इन द सेकेंड गोल, और जो उनका जो हीरो था, जो उनका प्लेयर था, कैसे उसने सेकेंड गोल किया था, ए ब्लाइंड इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, जो थोड़ा सा ए ब्लाइंड इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल निर्दोष टाइप का, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं बिल्कुल सीधा साधा, तो जो बिल्कुल सीधा साधा था उसने दूसरा गोल किया था।
एंड आयरिश जीनियस, और जो आयरिश जीनियस भी था, गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, और जो दूसरा गोल किया था वो किस तरह से किया जा, जो विपक्ष के जो दो डिफेंडर्स थे, जो दो सुरक्षा करने वाले थे, गोल की रक्षा करने वाले, ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी, पेनल्टी के किनारे से। पेनल्टी एरिया स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट के सामने जो एक तिरछी सी लाइन, एक कर्व जैसी लाइन बनी होती है, उसको पेनल्टी एरिया कहते हैं, जहाँ से गोल किया जाता है। तो पेनल्टी एरिया के पास जो उसके दो बड़े डिफेंडर्स थे, उस पेनल्टी एरिया के किनारे से उन दो डिफेंडर्स को उसने उनके चारों तरफ मंडराता हुआ वो गया, विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उसके पिताजी ने चिल्ला कर कहा उसको कि पास दीजिए। पास का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि जब प्लेयर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो जब प्लेयर को दूसरे जो विपक्ष वाले हैं उससे बॉल छीनने का प्रयास करते हैं, तो अपने साथी के पास बॉल को पुश कर देता है, उसको पास कहते हैं। तो उसके फादर ने चिल्ला कर कहा पास देने के लिए, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, लेकिन क्या हुआ, उसने डजन यार्ड से यानी 12 गज के आसपास की दूरी से गोल कीपर को बीट करते हुए सेकेंड गोल कर दिया। क्या हुआ स्टूडेंट्स, सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी जो थी वो गर्व से चमक उठी। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज एस्कटेक्ट, और जो जियोफ था वो भी एस्कटेक्ट, एक्सटेटिक का मतलब अति आनंदित हुआ, उसको भी बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई जब उनके हीरो ने दूसरा गोल किया, और वो भी दो मुश्किल, दो जो डिफेंडर थे उनको डिफीट करते हुए और गोलकीपर को डिफीट करते हुए, जबकि वो अकेला ही गोल पोस्ट तक गोल को लेकर के गया था, उसने गोल किया, तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सैड ऑन द बस, अब जब वो वापस आ रहे थे तो किसी ने बस में कहा कि काश वो इंग्लिश मैन होता, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डायरेक टोल्ड हिज मदर, घर आकर के जो छोटा डायरेक था, सोफी का छोटा भाई, उसने अपनी मदर से कहा कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी उसको घर लेकर के आई, हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, अब चूंकि यूनाइटेड ने मैच जीता था, उनके उनका जो वो था, उसको हम कहेंगे उनकी जो टीम थी यूनाइटेड, उनका जो क्लब था फेवरेट, जिसको वो सपोर्ट करते हैं, चूँकि उसने मैच जीता था, तो उसके जो सोफी के फादर थे वो सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं। व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग जेंशी सेड, अब देखिए अब जेंशी की, अब यहाँ ये बात खत्म हो जाती है, अब दोनों फ्रेंड फिर मिलती है, तो जेंशी और सोफी जब फिर मिलती हैं, जहाँ स्टार्टिंग में वो अलग अलग हुई थी, अब वो फिर से मुलाकात होती है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, दोनों के बीच में बातचीत चलती है। व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग जेंशी सेड, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जब दोनों मिलती हैं, दोनों लड़कियाँ जेंशी और सोफी, तो जेंशी पूछती है कि आप क्या बता रहे थे, तो सोफी पूछती है अबाउट व्हाट, किस बारे में, क्योंकि उसने पूछा कि तुम क्या बता रहे थे, उसने पूछा किस बारे में, तो उसने कहा योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मैट डैनी कैसी, तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई जोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया है कि तुम्हारी मुलाकात डैनी कैसी से हुई है। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजन, अब देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि एक सिस्टर यदि अपने ब्रदर को कोई चीज़ बताती है, तो वो सोचती है कि उसका ब्रदर जो है उसकी बात को सीक्रेट बना करके रखेगा, ऐसा वो मानती है। लेकिन जब जेंशी ने उससे क्वेश्चन किया, तो जो सोफी थी वो थोड़ा सा शक पका गई, तो दिस वॉज नॉट एन इंक्विजन, उसे लगा कि एक तरह से तो क्या है, इंक्विजिशन का मतलब जांच की जा रही हो जैसे, जस्ट जेंशी बींग नोजी, उसे लगा कि जो जेंशी है वो नोजी। अब यहाँ नोजी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, नोजी का मतलब हुआ ताक झांक करना, कि उसको लगा कि यहाँ जो जेंशी है उसके मामले में ताक झांक कर रही है। ताक झांक करने का मतलब मतलब जानकारी जुटाने की, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही, कोशिश कर रही है। बट सोफी वाज स्टार्टेड, लेकिन जो सोफी थी उनकी इस बात सुन करके वो उसको इस चीज़ से शौक हुआ कि उसके ब्रदर ने उसके फ्रेंड के ब्रदर को, फ्रैंक को ये सब बताया। उसने कहा ओ दैट, अरे नहीं, जेंशी फ्रान, और जेंशी ने फ्रान का मतलब फिर जो है वो पहले भी आ चुका है वर्ड, फ्रान का मतलब होता है भौंसी कोड़ना, जेंशी ने भौंसी कोड़ी, सेंसिंग सी वाज कवरिंग, और ये जान करके वो शायद उस बात को छिपाने की कोशिश करी। उसने कहा यस दैट, उसने कहा हाँ भाई, वेल यस आई डिड, उसने कहा हमें मिली थी। यू नेवर डिड, जेंशी एक्सक्लेम्ड, जेंशी ने कहा कि शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।
सोफी ग्लेड एट द राउंड, सोफी ने ग्राउंड की तरफ, ग्लेड मीन्स होता है स्टूडेंट टकटकी बना करके देखना, बिना पलक मारे देखना, और फिर वो कहती है डैम दैट जोफ, कि जोफ बुरा हो, डैम दैट जोफ, या डैम को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, डैम जो वर्ड है जैसे हम इंग्लिश में डैम कहते हैं और हिंदी में हम कह देते हैं ना उसकी ऐसी की तैसी, तो इस तरह से भी हम इस यहाँ वर्ड को यूँ कह सकते हैं। तो उसने डैम दैट जोफ, उसने कहा जोफ की ऐसी की तैसी, दिस वॉज ए जोफ थिंग नोट एजेंसी, उसने कहा कि जो मैंने बताया था ये जोफ की थिंग थी, जोफ के लिए था, नोट एजेंसी थिंग, ये एजेंसी को बताने का मामला नहीं था, एजेंसी को बताने की बात नहीं थी, उसने एजेंसी को क्यों बता दी, मैंने जो बताई थी वो बात जोफ तक थी, तो जोफ ने एजेंसी तक ये कैसे पहुंचा दी उसके ब्रदर के द्वारा, इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल होना चाहिए, समथिंग सीक्रेट, क्या कहते, चूंकि वो ब्रदर सिस्टर हैं तो उनके बीच में कुछ सीक्रेट होना चाहिए, कुछ मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए जो उन तक ही हो, इट वॉज नॉट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, उसने कहा कि इस तरह की बातें जेंसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि जेंसी का इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने चाहिए था। टेल गौकी जेंसी, टेल गौकी जेंसी का मतलब उसने इस गौकी का मतलब एक इस तरह का व्यक्ति जो मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट नहीं रख पाता, तो टेल गौकी जेंसी, उसने गौकी जेंसी को बताया समथिंग लाइक दैट एंड द होल नाइबरहुड वुड गेट टू नो इट, और इसके बारे में अब पूरे पड़ोस में पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, डैम दैट जोफ, फिर से कहती है जोफ की एस्तेसी वॉज नथिंग सेक्रेड, के हमारे बीच में कुछ भी सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है होली, पायस, पवित्र, चूँकि ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन होता है वो बहुत पायस होता है, बहुत सेक्रेड होता है, तो यहाँ वो फिर से कहती है डैम दैट जोफ, कि जोफ की ऐसी की तैसी उसने कुछ भी हमारे बीच में सेक्रेड नहीं रखा, पवित्र नहीं रखा, क्या कहती है, इट इज़ ए सीक्रेट बीन टू बी, ये वास्तव में एक सीक्रेट रहना चाहिए था, हमारे बीच की बात थी तो ये गुप्त रहनी चाहिए थी, आई विल कीप ए सीक्रेट सोफ यू नो दैट, उसने कहा कि सोफ जो तुम मुझे बताओगी मैं उसको सीक्रेट रखूँगी, अर्थात मैं किसी को नहीं बताऊँगी, यू नो दैट, तुम इस बात को जानती हो, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, उसने कहा कि मैं किसी को बताने जा रही हूँ, देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ माई डैड्स गेट्स टू हियर अबाउट इट, क्या कहती है कि देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो, रो मीन्स होता है झगड़ा, कि परिवार में झगड़ा हो जाएगा इफ डैड्स गेट्स टू हियर अबाउट इट, यदि डैड को इस बात का पता चला तो जैसे पहले घर में झगड़ा होता था उसी तरह से फिर से हमारे घर में रो मीन्स झगड़ा हो जाएगा। जेंसी ब्लिंक, जेंसी पलक झपकाती है ए रो और पूछती है झगड़ा, पूछती है झगड़ा, क्या कहती है, आई हैड हैव थॉट ही हैड बी चफ्ड एज एनीथिंग, क्या कहती है कि इसमें झगड़े जैसी तो कोई बात ही नहीं है, आई हैड हैव थॉट, कहती है मेरे मुझे तो ये इसमें विचार है, ही हैड चफ्ड एज एनीथिंग, स्टूडेंट्स उसका मतलब कहने का ये है, चफड़ का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न, कि इसमें झगड़े जैसी कहाँ बात है, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए, चफड़ मीन्स इसमें तो खुश होने वाली बात है, इसमें झगड़े जैसी वाली बात कहाँ है। सी रियलाइज व्हेन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बीट, अब सोफी क्या समझ बैठती है, वो रियलाइज करती है, वो महसूस करती है कि जेंसी को डेट बीट यानी जो अगली डेटिंग थी उनकी, अगला जो मिलने का टाइम उनका तय हुआ था उसके बारे में बिट मीन्स जरा सा भी उसको पता नहीं था। जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, और समझती है कि जियोफ ने उसको इस बारे में नहीं बताया। सी ब्रीथ मोर, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, ब्रीथ मोर ईजीली, इसका मतलब थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करती है। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, और वो सोचती है कि आखिरकार जियोफ ने उसको निराश नहीं किया है, जियोफ ने उसकी बात को छिपा करके रखा, उसको निराश नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उसकी बातों पर विश्वास कर सकता है, कर सकती है, आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, कहती है कि आखिरकार उनके बीच में कुछ पवित्र होना चाहिए चूँकि दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, वास्तव में एक छोटी चीज़ थी। आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, वो बताती है सोफी जेंसी को कि कोई खास बात नहीं थी, बस मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए गया था, बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन, और हमारे पास ना तो पेपर था ना पेन था, इट वॉज नो गुड, इसलिए कुछ भी इसमें ठीक नहीं हुआ। हाउ मच हैड जियोफ सेड, और जियोफ ने आपको कितना बताया, जियोफ ने कितना बताया, उसने कहा छोटी सी बात थी, मैं उससे मिली थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगे थे, हमारे पास पेपर और पेन नहीं था इसलिए ऑटोग्राफ नहीं ले पाई मैं उसका, बस ये इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, बस इतनी बात हुई थी, आपको जियोफ ने कितना बताया। जीसस आई विश आई हैड हैव बीन देयर, अब देखिए उसकी फ्रेंड क्या कहती है, जीसस के भगवान करे, आई विश आई हैड हैव बीन देयर,
ईश्वर करता मैं भी तुम्हारे साथ होती, जब तुम उस फुटबॉल प्लेयर से मिली थी, काश मैं भी तुम्हारे साथ होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, कहती है कि मेरे जो डैड हैं वो इस पर विश्वास करना नहीं चाहते। यू नो व्हाट ए माइजरी ही इज, आप जानते हैं कि वो कितने, माइजरी का मतलब पीड़ा में कह सकते हैं आप या दर्द में कह सकते हैं, दुखी। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन कहती है बट द थिंग आई नीड, क्या नहीं चाहती मैं कि मेरे घर के सामने लोगों की क्यू मीन्स लाइन लग जाए, आस्किंग हिम उसके बारे में पूछ रहे, व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, कि डैनी कैसी के बारे में क्या मैटर है, क्या बात हुई, तुम्हारी लड़की मिली थी, मैं नहीं चाहती कि इस तरह की हमारे घर के सामने लाइन लग जाए, और यदि ऐसा हुआ ही हैड मर्डर तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स वैन देयर इज रो, और आप जानती हैं कि जब भी घर में झगड़ा होता है तो मेरी मम्स, मम्स का मतलब मेरी मम्मी, मेरी मदर कैसा फील करती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का झगड़ा हो, तो कहती है कि तुम इस बात को सीक्रेट बना। जेंसी सेड हस्ड यू कैन ट्रस्ट मी, जेंसी कहती है अरे तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, सोफ यू नो दैट, तुम जानती हो कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तो ये दोनों जो फ्रेंड्स थी जेंसी और सोफी, उनके बीच में बात होती है। आफ्टर डार्क, अब देखिए अब नेक्स्ट डे फिर से जो अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय कैनल, वो जो सोफी होती है वो कैनल यानी नहर के साथ साथ अलोंग ए सीनियर्ड पथ, एक रास्ते पर जो नहर के किनारे किनारे होता है उस पर वो चल रही होती है। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर, जिसपे हल्की लाइट थी, और वो लाइट कैसी थी, लाइटेड ओनली बाय ग्लेयर, जो कैनल पर चल रही थी, जो सेल्टर्ड, अब देखिए यहाँ सेल्टर्ड का मतलब जो है, आफ्टर डार्क सी वॉक बाय कैनल, वो कैनल पर चल रही थी, अलोंग ए सेल्टर्ड पर, सेल्टर्ड का मतलब जो कवर्ड रास्ता था उस पर चल रही थी। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, और जिसमें केवल लाइट की एक ग्लेयर यानी चौंधी लग रही थी, फ्रॉम द वार्प अक्रॉस द वाटर, वार्प मीन्स होता है घाट, जैसे नहर पे घाट बना देते हैं ना, जहाँ नहर के पानी में एंट्री करने के लिए जैसे नदियों पे घाट होते हैं, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है गंगा के किनारे पर घाट, और जैसे गढ़गंगा पर है, ब्रज घाट पर है, और जिस तरह से तो जगह जगह घाट बने हुए हैं, तो उस नहर पर भी घाट बने हुए थे, घाट पर जो लैंप लगा हुआ था उसकी ग्लेयर की चमक आ रही थी वहाँ से। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड, और अनसीजिंग यानी कभी ना रुकने वाला, लगातार आने वाला, ड्रोन मीन्स होता है शोर शराबा, ऑफ द सिटी माने शहर का आवाज़, मफल्ड कुछ हल्का हो गया था, और वो क्यों हो गया था, एंड डिस्टेंट, क्योंकि वो थोड़ी सी दूरी से आ रहा था, तो शोर जो शोर शराबा शहर का था, जो निरंतर शोर शराबा आने वाला था, वो कुछ हल्का हो गया था क्योंकि दूरी थी शहर से। इट वॉज ए प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, और ये वह स्थान था, सोफी सोचती है कि जहाँ जब वो बच्ची थी अक्सर यहाँ इस स्थान पर खेलने आती थी, उस स्थान की ये बात करी। देयर वॉज ए वुडन बेंच, वहाँ पर एक वुडन बेंच मीन्स लकड़ी की बेंच बनी हुई थी, बीनीथ ए सोलिटरी एल्म, एक सोलिटरी माने अकेले, एल्म एक, एल्म एक वृक्ष का नाम होता है, सदाबहार का पेड़ कह सकते हैं, सदाबहार पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बनी हुई बेंच थी। वेयर लवर समटाइम्स केम, जहाँ प्रेमी जोड़े अक्सर कभी कभी आ जाया करते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वो वहाँ बैठ जाती है किसके लिए, प्रतीक्षा करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, वो क्या सोचती है कि यह एक बिल्कुल उपयुक्त स्थान है, सी हैड ऑलवेज थॉट, जिसके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी। सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, और इस तरह की मीटिंग के लिए, इस तरह के मिलने के लिए, इस तरह के मुलाकात के लिए ये सबसे परफेक्ट टाइम है। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, और उन लोगों के लिए निश्चित रूप से अच्छी जगह है जो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई मिलते हुए, मुलाकात करते हुए देखे ना, यानी जो निर्जन में यानी एकांत में मिलना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है, परफेक्ट प्लेस है। सी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती थी कि यदि वो आएगा तो वो भी इस चीज़ को अप्रूव करेगा, अपनी सहमति दे देगा, अनुमोदन करेगा कि वास्तव में यह स्थान मुलाकात करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। फॉर सम वाइल, कुछ समय के लिए, वेटिंग प्रतीक्षा करती रही। सी इमेजिन हिज कमिंग, वो उसके आने की प्रतीक्षा करती रहती। सी वॉच अलोंग द कैनल, वो कैनल की तरफ देखती रही। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, और सोचती रही कि वो शैडोज से बाहर निकल करके आएगा, छाया से बाहर निकल करके आएगा। इमेजिंग हर आउन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और जो अपनी एक्साइटमेंट थी, जो अपनी उत्तेजना थी, वो उसका ही परिणाम उसको प्राप्त होना शुरू होने लगा कि जो इमेजिन कर रही थी, और परिणाम क्या हुआ उसका, इमेजिन का, उसकी
कल्पना का परिणाम यह हुआ कि वो उत्सुक होने लगी, उत्तेजित होने लगी थी। नोट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्सड डिड सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नोट कमिंग। नोट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्सड, इलेप्सड का मतलब होता है अतीत। तो इलेप्सड का मतलब अतीत हुआ कि कुछ समय जब पास्ट हो गया, कुछ समय जब बीत गया, सी बिगिन बैलेंसिंग, तो उसने बैलेंस बनाना शुरू कर लिया अपने विचारों का अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नोट कमिंग, कि शायद वो नहीं आएगा। अब वो ये भी सोच रही है कि वो आएगा, वो ये भी सोच रही है कि वो नहीं आएगा, तो इस तरह से अपने विचारों को उसने संतुलित करना शुरू कर दिया था कि वो आएगा या नहीं आएगा। हेयर आई सिट सी सेड टू हरसेल्फ, अब उसने अपने आप से कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, विशिंग डैनी वुड कम, ये सोचते हुए कि डैनी आएगा। स्टूडेंट्स डैनी कौन है? डैनी वो आयरिश फुटबॉल प्लेयर है जो यूनाइटेड के लिए खेलता है और जो बहुत ही टैलेंटेड है और यंगस्टर है। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो अपनी इच्छा प्रकट करती है कि वो यहाँ आए और उसके टाइम पासिंग को सेंसिंग में फील करती है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टारिंग इनसाइड मी, अब वो क्या, पैंग्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स पेन, ऑफ डाउट, अब उसको संदेह होने लगता है कि शायद वो नहीं आएगा, और उसके अंदर इस बात को महसूस करके कि वो नहीं आएगा, तो उसके अंदर जो पेन है उस संदेह से कि वो शायद, उस संदेह होने लगा कि शायद वो नहीं आएगा, तो संदेह से उसके अंदर जो दर्द हो रहा है अब उसने उसको महसूस करना शुरू कर दिया। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसके लिए प्रतीक्षा करूंगी, बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसके कहीं कोई निशान आने के नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी वो प्रतीक्षा तो कर रही है लेकिन वो अभी भी नहीं आया। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, अब उसको याद आता है कि उसके ब्रदर जियोफ ने कहा था ही वुड नेवर कम, कि वह नहीं आएगा, एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और किस तरह से उनमें से कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उन्हें बताऊंगी, तो पहले भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था और उनकी बात साबित हुई। आई वंडर व्हाट विल आई डू, अब वो आश्चर्यचकित होती है कि मैं क्या करूंगी, वो पूछेंगे मुझसे मैं क्या बताऊंगी, तो वो कहेंगे कि हम ही सही थे। व्हाट कैन आई टेल देम, और मैं अब उन्हें क्या बताऊंगी, इफ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आता है तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं कि वो इट वॉज किस तरह का था, डैनी एंड मी, कि मेरा और डैनी का रिलेशन किस तरह का था, ये मैं ही जानती हूँ, वो नहीं जानते। दैट्स द मेन थिंग, यही मेन चीज़ है कि डैनी और मेरे बीच में किस तरह का रिलेशन है, डैनी मुझे किस तरह से मानता है, कितना महत्व देता है, और मैं डैनी को कितना महत्व देती हूँ, ये हम दोनों को ही पता है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, अब लोग क्या पसंद करते हैं और किस पर विश्वास करते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, लेकिन इससे मैं डेस्पोंडेंट हुई हूँ। स्टूडेंट्स डेस्पोंडेंट मीन्स होता है निराश होना, आशाहीन होना, लेकिन इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उसके ना आने से मुझे कहीं ना कहीं निराशा हुई है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम देयर आर रोंग टू डाउट मी, दिस नोइंग इसे जान करके आई विल नेवर बी एबल टू शो, मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगी देम उन्हें, देयर आर रोंग टू डाउट मी, कि मुझ पर जो डाउट करते हैं, जो संदेह करते हैं, वो गलत है, क्योंकि यदि वो आ जाएगा तो वो साबित कर दे कि वो मेरे पे संदेह कर रहे थे, वो गलत थे। अब चूंकि वो आ नहीं रहा तो उसको ये लगता है कि यदि वो नहीं आया तो मैं उनको कैसे इस बात को साबित कर पाऊंगी, कैसे मैं इसमें समर्थ हो पाऊंगी कि वो जो मुझ पे संदेह करते वो गलत है। शी वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और इस तरह से उसके अंदर जो चेंजेज आ रहे थे वो उनको भी मेजर करती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, अब देखिए रेजिग्नेशन कोई सडन थिंग नहीं होती, जो एकदम नहीं होती, इस बात को मानने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ वास्तविकता ये है। अब चूंकि वो तो डे ड्रीमर थी तो वो इमेजिनेशन में ही खोई हुई थी, अब रियलिटी जो थी उसको एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए इसने कहा रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब क्या हुआ, वो दुखी होती है, सी थॉट, उसने सोचा, वो सोच रही है कि अब शायद मैं इस बात से दुखी हूँ, कि वो उदास हूँ कि वह नहीं आया। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी, वो कहता है कि ये एक बर्डन है, एक वजन है जो मुझे अपने साथ, एक बोझ है जो ले जाना पड़ेगा, दिस सैडनेस, इस उदासी को मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठे रहना, प्रतीक्षा करना, यह जानते हुए भी कि वह नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, और मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और फिर वो सोचती है कि मैं इस बर्डन को लेकर के किस तरह से जीऊंगी। फ्यूचर में वो सोचती है कि मैं, मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, उसके बाद भी मैं यहाँ बैठी हूँ, उसके बाद भी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो एक बर्डन मेरे लिए बन गया, और मैं इस बर्डन को लेकर के किस तरह से जीऊंगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, निश्चित रूप से वो मेरे पर संदेह करेंगे,
एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो पहले से हमेशा से मुझ पर संदेह करते हैं, क्योंकि वो मुझ पर पहले से भी संदेह करते हैं, अब वो और भी मुझ पर संदेह, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हैंड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना संतुलन बनाए रखना है यह बात याद करके कि हम किस तरह से मिले थे और हमारा रिलेशन किस तरह का था। ऑलरेडी आई इन्वेसेज मीन्स होता है विचार करना, परिकल्पना करना। ऑलरेडी आई इन्वाइसेस द स्लो वॉक होम, धीरे धीरे वो कल्पना करते हुए घर चलती है, वापस चल देती है। एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस, और जॉब के डिसअपॉइंटेड फेस को, निराश फेस को वो महसूस कर रही है। व्हेन आई टेल हिम, कि जब मैं उसे बताऊंगा, ही डिड नॉट कम, जब मैं उसे बताऊंगी कि वह नहीं आया, दैट डैनी, कि वो डैनी नहीं आया, जब मैं उसको बताऊंगी तो जॉफ का फेस किस तरह से डिसअपॉइंट होगा, नाराज होगा, वो ये सोचती हुई चल रही है। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और तब वो क्या करेगा, स्लैम द डोर का मतलब होगा दरवाजा एक झटके के साथ, भड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर लेगा। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं हाउ इट वॉज, हम जानते हैं कि हम ये किस तरह से हुआ। आई सेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बता दूंगी, डैनी एंड मी, मैं अपने आप को बता सकती हूँ और डैनी को बता सकती हूँ कि हमारे बीच में किस तरह का रिलेशन है। और इस रिलेशन को वो कहती है और कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, और ये सैडनेस जो है, ये सैडनेस एक हार्ड थिंग है और इसके बारे में और कोई नहीं सोच सकता, मैं ही सोच सकती हूँ। सी क्लाइम द क्लम्बर स्टेप, सी क्लाइम्ड, वह चढ़ती है, क्रम्बलिंग मीन्स टूटी हुई, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ, टू द स्ट्रीट, गली की, वो टूटी फूटी गलियों की सीढ़ियों को चढ़ती है। आउटसाइड द पब, पब से बाहर, सी पास्ट, जब वो गुजरती है, हर फादर्स बाइसिकल प्रॉपर अगेंस्ट द वॉल, तो देखती है कि दीवार के सहारे उसके फादर की जो बाइसिकल है वो पब की दीवार के सहारे खड़ी हुई है। एंड वॉज ग्लेड, और वो देख करके बहुत खुश होती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, कि जब वह घर पहुँचेगी तो उसके फादर घर पर नहीं होंगे, तो अपने फादर की साइकिल को पब की दीवार के पास लगी हुई खड़ी हुई देख करके, प्रॉपर मीन्स होता है सहारा दे करके खड़ी करना, सॉरी तो जब वो देखती है कि उसके जो फादर की साइकिल है वो पब की दीवार को सहारा लगा करके खड़ी हुई है, तो वो देख करके खुश होती है। उसको लगता है कि अब उसके फादर तो घर पे नहीं है, जब वो घर पहुंचेगी तो उसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से आई हो। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी, कैसी है वो, फिर से स्टूडेंट्स फिर से वही कल्पना करना शुरू कर देती है, इमेजिनेशन करना शुरू कर देती है कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी। तब उसने कहा था एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी, कि माफ़ कीजिए क्या आप डैनी कैसी नहीं है। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन, उस आर्केड से आती हुई वो फिर से उसकी पिक्चर देखना शुरू कर देती है कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी, कहाँ हुई थी, आउटसाइड रोएस, जो रोएस नाम का शोरूम था उसमें उसके बाहर की तरफ उनकी किस तरह से मुलाकात हुई थी, वो उसकी फिर से इमेजिनेशन, उसकी फिर से पिक्चर, उसकी फिर से एक तस्वीर देखना शुरू कर देती है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, येस दैट्स राइट, ही टर्न्स, वह मुड़ता है और रेडनिंग स्लाइटली, और थोड़ा सा हल्का सा, स्लाइटली मीन्स होता है जरा सा, और रेडनिंग मीन्स होता है थोड़ा सा एक तरह से हेजिटेट सा करना। येस दैट्स राइट, वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, मैं वही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, और कहती है लड़की सोफी, आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ, विद माई डैड, अपने पिताजी के साथ, एंड माई ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हम सोचते हैं कि तुम महान हो। वो सोफ़ी ऐसा कहती है, कल्पना में चल रहा है सब कुछ, तो सोफ़ी ऐसा कहती है। तो जो डैनी कैसी है वो कहता है ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड सिंगिंग एन ऑटोग्राफ, साइनिंग एन ऑटोग्राफ। अब वो कहता है कि क्या आप मुझे फिर एक ऑटोग्राफ देंगे, वो फिर से सोच रही है। लेकिन क्या हुआ, हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर आउन। अब वो बताती है कि हिज आइज़, कि उसकी आंखें आर ऑन द सेम लेवल एज योर आउन, जैसी तुम्हारी अपनी है इसी तरह से उसकी आंखें भी उसी साइज पर है। हिज नोज इज़ फ्रेकल्ड, उसकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी फ्रेकल्ड है, फ्रेकल्ड का मतलब होता है थोड़ी सी चीतेदार कह सकते हैं। टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ी सी ऊपर को मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, वो बहुत शर्मिला दिखाई देता है, एक्सपोजिंग टीथ,
और उसके जो टीथ हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांतों के बीच में गैप है। जब वो स्माइल करता है तो थोड़ा सा शर्म के साथ मुस्कुराता है और उसकी जो दांत होते हैं वो दिख जाते हैं, उसके बीच में गैप दिख जाता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी जो आँखें हैं वो ग्रीन है। एंड वैन ही लुक्स स्ट्रेट, और जब वो सीधा देखता है एट यू, आपकी तरफ, दे, तो जो उसकी आँखें होती हैं सीम टू शिमर, वो शिमर का मतलब टिमटिमाता, चमकना या झिलमिलाने की तरह से दिखती हैं। शाइमर का मतलब होता है टिमटिमा, तो उसकी आँखें टिमटिमाती हैं जब वो आपकी तरफ देखते हैं। दे सीम जेंटल, कैसी दिखाई देती हैं वो, जेंटल दिखाई देती हैं, ऑलमोस्ट अफ्रेड, एक तरह से भयभीत हो, लाइक ए गेजल्स, जैसे कि गेजल की होती है। गेजल कहते हैं एक प्रकार का हिरन जो होता है, मृग, बारहसिंगा भी कह सकते हैं, छोटा बारहसिंगा। तो उसकी जो आँखें हैं वो उनमें एक डर सा दिखाई देता है, जैसा कि हिरण की आंखों में दिखाई देता है। एंड यू लुक अवे, यू, और जब तुम दूर देखते हो, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटिल, तो तुम देख सकते हो कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें आप पर डालता है, अपनी नज़र आप पर डालता है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड, और जब फिर तुम उसकी तरफ देखते हो, स्लाइटली ब्रीथलेस, वो फिर से थोड़ा सा ब्रीथलेस हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। एंड ही सेज, और वो कहता है आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, फिर से क्या कहता है कि मुझे लगता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट ईदर, और शायद तुम ये महसूस कर रहे हो कि पेन तुम्हारे पास भी नहीं है। माय ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, अब वो कहती है कि मेरे जो भाई हैं वो बहुत इस बात पर खेद, बहुत दुख प्रकट करेंगे कि मेरी आपकी मुलाकात हुई और मैं उनके लिए आपसे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल स्टैंडिंग वेयर, और आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड, आर्केड में आप लंबे समय तक प्रतीक्षा करें, फॉर ए लॉन्ग, लंबे समय तक, वाइल स्टैंडिंग वेयर, और वहाँ उस स्थान पर खड़े हुए, वेयर स्टूड, वहाँ खड़े हुए, रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को सुनते हुए, याद करते हुए, द शाइमर ऑफ ग्रीन आइज, और उन हरी आँखों की चमक को महसूस करते हुए, नो टॉलर देन यू, वो तुमसे अधिक लंबा नहीं है, नो बोल्डर देन यू, और तुमसे बहादुर भी नहीं है। द प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति। द इनोसेंट जीनियस, इनोसेंट मीन्स सीधा साधा, जीनियस व्यक्ति। द ग्रेट डैनी कैसी, महान ग्रैनी, महान डैनी कैसी। एंड शी वाज एंड शी सा इट ऑल अगेन, और वो फिर ये सब चीज़ें फिर से देखती है, लास्ट सैटरडे को साहिन, और फिर से देखती है घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, के बड़े बड़े जो डिफेंडर्स हैं, लंबरिंग का मतलब विशाल, उन विशाल डिफेंडर्स के बराबर में वो घोस्ट की तरह गुजरता है, पास्ट करता है उनको। हियर द 50,000, और जो 50,000 जो व्यूअर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, कैच देयर ब्रीथ, उनकी सबकी सांसें रुक जाती हैं। एज ही होवर्ड, होवर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हवा में एक ही जगह चक्कर काटना, मंडराना, या बॉल को लेकर के उड़ना। जब वो गेंद को लेकर के, बॉल को लेकर के, फुटबॉल को लेकर के उड़ता है, या भंवर की तरह एक जगह ही चक्कर काटता है या मंडराता है, तो जो 50,000 स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं ओवर द बॉल, जब वो बॉल पर इस तरह से मंडराता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड ही स्ट्रक, और फिर क्या होता है, आवाज़ का जैसे कि एकदम विस्फोट हो गया हो, यानी सभी इट क्रिस्पी इन टू द गोल, जब वो गोल कर देता है तो जैसे आवाज़ का एक विस्फोट हो गया हो और सभी लोग चिल्ला पड़ते हैं। क्रिस्पी का मतलब होता है क्रिस्पी द गोल, यानी गोल में बॉल को डाल देना। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होना। द सडन थंडर्स इरप्शन ऑफ, इरप्शन का मतलब होता है उद्भेदन होना, प्रस्फुटन होना आवाज़ का। एक्जल्टेंट का मतलब होता है प्रसन्नचित हो जाते हैं सभी जब देखते हैं उसको गोल करते हुए। और एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा में, उसके समर्थन में, उसको मंजूरी देते हुए। तो जब वो बॉल को लेकर के मंडराता है, दौड़ता है, उस पर कंट्रोल करता है और उसको लेकर के हवा में उड़ता है, तो सभी की सांसें रुक जाती हैं। और जैसे ही वो गोल पोस्ट में उस गोल बॉल को डालता है, तो जैसे कि आवाज़ का एकदम विस्फोट हो गया हो, सभी उसका अनुमोदन करते हैं, सभी तालियां बजाते हैं, सभी चिल्लाते हैं, चीखते हैं और प्रशंसा करते हैं उसकी और उसका अनुमोदन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ गोइंग प्लेसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर।
एंड हेयर आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू सी इन पार्ट फर्स्ट टू देर आर 10 क्वेश्चंस एंड हेयर यू विल ऑल्सो गेट 10 क्वेश्चन एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सोफी फादर रिएक्ट व्हेन जॉफ टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद रैनी कैसी. सेकेंड, वाई इज सोफी अट्रैक्टेड टू रैनी कैसी. थर्ड, वाई डिड सोफी रिगल्ड व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट रैनी कैसी. डिड जॉफ कीप हिज प्रोमिस, हाउ डू यू नो. क्वेश्चन फाइव, विच वॉज द ओनली ओकेशन व्हेन शी गो टू सी रैनी कैसी इन पर्सन. एंड सिक्स, वाई सोफी डिड नॉट वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी. क्वेश्चन सेवन, व्हाट थॉट्स केम टू सोफीज माइंड एज शी सैट बाय द कैनल. क्वेश्चन एट, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी. क्वेश्चन नाइन, व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट सोफीज फादर. एंड क्वेश्चन टेन, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी. क्या वास्तव में डैनी कैसी से सोफी कभी मिली थी. तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from the point of view of the examination. I hope you will make notes from these questions. Students, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे. स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मुझे पता चले और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ आने वाले वीडियोज़ में. अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके. तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.